हमने 18 अगस्त को शेहला रशीद के राजनीतिक करियर को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। हमने तब कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के कारण लेफ्ट लिबरल गैंग की चहेती शेहला का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है और ये अब हो चुका है। शेहला को अब मुख्यधारा की राजनीति छोड़नी पड़ी है। दरअसल दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा और टुकड़े टुकड़े गैंग की नेता शेहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में होने वाले बीडीसी चुनाव से पहले ही राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के ऐलान को जिम्मेदार ठहराते हुए शेहला ने कहा कि वह कश्मीरियों का कथित उत्पीड़न और बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। शेहला ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार दुनिया को यह बताना और दिखाना चाहती है कि अभी भी यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस लोकतंत्र की शेहला बात कर रही है उसी लोकतंत्र की प्रणाली को मानने से मना कर रही है और अब चुनाव न लड़ने का निर्णय उन्होंने लिया है। अब राजनीति छोड़ी है तो सवाल उठेंगे ही, इसलिए उन्होंने इसके लिए भी तैयारी कर ली थी। उनके बयानों से साफ ये झलकता भी है। हालांकि जो कारण उन्होंने बताया है वो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता है। जिन कश्मीरियों के भले की वो बात करती हैं उन पर उन्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि वो उन्हें अपने नेता के रूप में चुनेंगे। वो जनता की सेवक बनकर उनके साथ खड़ी हो सकती थी, परंतु ऐसा तभी संभव होगा जब जनता उनका साथ देगी, लेकिन कश्मीर उन्हें नहीं स्वीकारेगा, इस बात का भी उन्हें आभास अच्छे से है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलिंग चुनाव होने हैं। राज्य के 316 में से 310 ब्लॉक्स के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा। शेहला रशीद नौकरशाही से राजनीति में आए शाह फैसल की पार्टी JKPM यानी कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट का प्रमुख चेहरा रही है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद शेहला रशीद ने सेना के खिलाफ फेक न्यूज भी फैलाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। आइए देखते हैं कि हमने क्या भविष्यवाणी की थी। यह देखते हैं कि आखिर कैसे अमित शाह ने शेहला रशीद का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विशेषाधिकार छीनने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने के फैसले ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर मौजूद कुछ लोगों के सपनों को भी पूरी तरह तोड़ दिया था। ये लोग अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स के केंद्र में अनुच्छेद 370 और 35A ही था। हालांकि मोदी सरकार ने मिशन कश्मीर के माध्यम से कुछ मौका परस्त कश्मीरी नेताओं के मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया है और ऐसे ही लोगों में नाम था कश्मीर की एक मुखर लेफ्ट लिबरल राजनेता शेहला रशीद का। शेहला रशीद आज भारत की राजनीति में कोई अनसुना नाम नहीं है, बल्कि कुछ महीनों पहले तक तो उन्हें जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। ये वही शेहला रशीद है जो वर्ष 2017 में JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रमुख सदस्य कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से सुर्खियों में आई थी। उस वक्त इस टुकड़े टुकड़े गैंग पर JNU कैंपस में आतंकी अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाने और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शेहला रशीद उस वक्त JNU छात्र परिषद की उपाध्यक्ष थी और इसके साथ ही वे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की सदस्य भी रह चुकी हैं। इस पूरे JNU प्रकरण के बाद शेहला रशीद देश की मीडिया के एक वर्ग का मनपसंद चेहरा बन चुकी थी और लेफ्ट लिबरल लोगों के बीच तो वो काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। अपनी इसी लोकप्रियता के दम पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। हालांकि इसमें भी उनके पास दो विकल्प थे। शेहला रशीद के पास पहला विकल्प तो यह था कि वे दिल्ली में रहकर CPI जैसी लेफ्ट लिबरल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती और धीरे धीरे राजनीति में अपने कद को बढ़ाती, या फिर उनके पास दूसरा विकल्प यह था कि वे कश्मीर में जाकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करती और एक नौजवान कश्मीरी नेता के तौर पर सबके सामने उभर कर आती। हालांकि रशीद ने दूसरे विकल्प को चुना और इसके पीछे उनका एक बड़ा मास्टर प्लान था। 2014 में आयोजित हुए कश्मीर के विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और सरकार बनाने के लिए भाजपा और PDP ने हाथ मिला लिया। PDP जैसी अलगाववादी पार्टी का भाजपा के साथ आने से जहां हर कोई हैरान था, तो वहीं महबूबा मुफ्ती के इस कदम से घाटी में मौजूद उनके वोट बैंक को करारा झटका पहुंचा। भाजपा विरोधी कश्मीरी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे और PDP का जनाधार कश्मीर में पूरी तरह कमजोर पड़ चुका।
चुका था। कश्मीर में अब तक दो पार्टियों का ही बोलबाला रहा है और वो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब चूंकि भाजपा के साथ जाने के बाद मुफ्ती और पीडीपी का वर्चस्व खतरे में आ गया था, तो कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार के अलावा कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक चेहरा बचा ही नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से घाटी में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और शहला राशिद ने इसी अवसर को भुनाने की कोशिश की, जिसमें उनको साथ मिला पूर्व आईएएस अफसर शाह फैजल का। शाह फैजल ने इस वर्ष के लोकसभा चुनावों से पहले जनवरी में कश्मीरियों पर हो रहे कथित जुल्म का हवाला देकर नौकरशाही से इस्तीफा दे दिया और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बल देने की दिशा में काम करना शुरू किया। चुनावों से ठीक पहले यानी कि मार्च 2019 में शाह फैजल ने अपने गृह क्षेत्र कुपवाड़ा से अपनी नई राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट को लॉन्च किया। रोचक बात तो यह थी कि शहला राशिद भी उनकी इस पार्टी का हिस्सा थी। पार्टी में शामिल होने के पहले तक शहला राशिद ने खुद को एक लिबरल के रूप में पेश किया, जिसने धार्मिक हठधर्मिता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। हालांकि पार्टी के लॉन्च समारोह के दौरान हमें एक अलग शहला राशिद देखने को मिली थी, जो केवल रूढ़िवादी ही नहीं थी बल्कि अपने धर्म का पूर्ण अनुसरण करने वाली महिला थी, जिन्होंने अपने चेहरे पर हिजाब डाला हुआ था। प्लान साफ था कि महबूबा मुफ्ती के राजनीतिक दिवालियापन के बाद ये दोनों कश्मीर में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते थे और प्लान के मुताबिक शाह फैजल और शहला राशिद भविष्य में कश्मीर की राजनीति के बड़े चेहरे बनना चाहते थे, लेकिन ये भाजपा की कश्मीर नीति को समझने में पूरी तरह विफल साबित हुए और इनका कश्मीर मिशन पूरी तरह फ्लॉप साबित हो गया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद शहला तो इतनी बौखला गई थी कि उन्होंने कोर्ट में इसे चुनौती देने की बात तक कही, लेकिन सच्चाई यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में इनके फ्यूचर प्लान को बर्बाद कर दिया और अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर राज्य के दो हिस्से हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान भी हट चुके हैं, जो कि कश्मीर के अलगाववादी राजनेताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। अब ऐसे नेताओं का घाटी की राजनीति में कोई वर्चस्व ही नहीं रहने वाला। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि कश्मीर को भविष्य में अब शहला राशिद जैसे मौका परस नेताओं से दो हाथ नहीं होना पड़ेगा और ये प्रदेश मुख्यधारा से जुड़कर अपना विकास अच्छे से कर सकेगा।